सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है। तो आज मैं रायगंज जा रहा हूँ घूमने के लिए। बात यह है गाइस कि वहाँ पर बीएसएफ का दौर होने वाला है। छोटा भाई मेरे साथ जाने वाला आज, इन्हीं का बीएसएफ का दौर है। तो गाइस यही जाएंगे हमारे साथ। आई एम मामू साहब। तो ये जाएंगे, थोड़ा शर्मा रहे हैं, घर पर बात नहीं, बस मेरे साथ रहेंगे तो सब शर्मा दूर हो जाएगा। और मैं भी आपको वहाँ का हर अपडेट दिखाऊंगा। तो गाइस देखते हैं वहाँ क्या सब अच्छे अच्छे चीजें हैं, जो भी बेहतर से बेहतर चीजें होंगे मैं वो सब को अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस आपके साथ मैं बना रहूंगा, बस आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आगे मिलते हैं। अभी हम लोग सभी स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये बीरपुर का रेलवे स्टेशन है और यही नवलेश कुमार है जिसने छोड़ने के लिए आया था हम लोगों को। तो अभी हम लोग पहले टिकट लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे रायगंज के लिए। ओके, तो गाइस देख सकते हैं मैंने टिकट ले चुका हूँ। तो गाइस अभी मैं ट्रेन पर चढ़ चुका हूँ, देख सकते हैं ट्रेन भी खुल गया है। अभी तो बारसो ही जाएंगे, तो लंबा सफर है और देख सकते हैं हमारे साथ कितने लोग हैं। बाय बाय कर दीजिए। देख सकते हैं गाइस सारे लोग आ चुके हैं। तो गाइस अब आगे स्टेशन अब उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों का ट्रेन का बदली होगा, तो आगे चलेंगे। क्या गाइस सब उतर गए? सब आ गए ना? वो नहीं छूटे हैं? ठीक है तब। सो गाइस आज हम लोग सब जब बारसोई पहुंचे, आज यहाँ पे हम लोग सब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं ये है लेग पीस और ये भी है। हाय गाइस, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट ना एक नंबर है, मजा आ गया गाइस। तो मिलते हैं अब आगे। बाय। सो गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, अब आगे जा रहे हैं। परसों ही सब सीधा रायगंज में ही पहुँचेंगे गाइस, तब वहाँ मिलते हैं। देख सकते हैं ट्रेन निकल। हम सर हम लोग उतर चुके हैं रायगढ़ स्टेशन पर। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग सब अब रायगंज रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब हम लोग सब सीधा कैंप निकलेंगे यहाँ से। तो आप बताइएगा थोड़ा सा कहाँ कहाँ बढ़िया सब जगह यहाँ घूमने के लिए है। यहाँ पे रायगंज रायगंज कुलिक फॉरेस्ट, कुलिक फॉरेस्ट और जो पूरे एशिया महादेश का ठीक है द्वितीय सबसे बड़ा पक्षी निवास है, पूरे एशिया महादेश का दूसरा पक्षी निवास। ओ पक्षी निवास ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एशिया का। और यहाँ का है गोवालपाड़ा पार्क, कन्नौजरा पार्क, पार्क पार्क सब है। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट चर्च भी है, जादू है आप देख सकते हैं। और जिनका फेमस देवपुरी है, देवपुरी एक मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर फेमस है। देखते हैं अब हम जान चुके हैं कहाँ कहाँ घूमना है गाइस। तो कल गाइस आप लोगों को बेहतर से बेहतर जगह घुमाएंगे। यहाँ पर रायगंज आए हैं तो थोड़ा यहाँ का भी मौज मस्ती चलेगा गाइस, फुल्ली मजा चलेगा गाइस। और बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और वो तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा गाइस। अभी तो अभी फिलहाल यहाँ का देख लीजिए आप लोग। ये गाइस यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है। ये शहर भी गाइस बहुत अच्छा है, हमारे भागलपुर की तरह ही। देख सकते हैं गाइस ये शहर भी काफी खूबसूरत है। देख सकते हैं गाइस ये सेंट जूवियस स्कूल रायगंज है। गाइस देख सकते हैं ये कितना बहुत बड़ा भयंकर सा चर्च है गाइस। तो गाइस कल घूमेंगे हम लोग यहाँ पर, आज भी हल्का सा झलक देख लीजिए, कल डिटेल में दिखाएंगे। देख सकते हैं गाइस ये कैंप का कुछ नज़ारा है। अभी हम लोग सब और भी देखेंगे डिटेल में अंदर जा करके।
ये देख सकते हैं गेट नंबर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर 36 डी है। तो गाइस देख सकते हैं अभी बहुत सारा स्टूडेंट निकल रहा है वहाँ से, बाली से बहुत सारे लड़के, आर्मी का जो लड़का है सब निकल रहा है। कैसा गया भाई साहब? हो गया एक नंबर गया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा है। चलिए गाइस पूछते हैं एक दो से, कैसा रहा भाई साहब? कैसा रहा अंदर का? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा नेश्वर एकदम ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं सारे स्टूडेंट अभी निकल रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर 26 BN से। लड़कों में भी गाइस काफी उत्साह है लगता है इन लोगों का, बहुत अच्छा हुआ है। और कल हम लोग भी आएंगे यहाँ पर 5 बजे सुबह, गाइस हम लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे लोगों के लिए। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे हैं और बहुत सारा स्टूडेंट निकल गया गाइस, और सभी में उत्साह था काफ़ी ज़्यादा और लगता है कि वो लोग पास कर जाएंगे। चलिए गाइस उम्मीद है। तो गाइस देख सकते हैं अभी रूम घूमने के लिए आए हम लोग, सब देखते हैं कैसा रूम है, देख सकते हैं आ चुके हैं अभी रूम देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक तरफ से। अब रात यहीं गुजारना है हम लोगों को। तो गाइस शाम को हम लोग सब घूमने के लिए निकले थे तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं खाने को, तो हम लोग देखिए आइसक्रीम ही लिए। उसके बाद गाइस पूरी सब्जी और केला खाए थे जो घर से लाए थे। तो गाइस अब रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब आगे का सीन नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा गाइस। तो कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल मैं रायगंज के बेहतरीन सब जगह जो घूमूंगा मैं, वो सारी चीज़ें ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कल का गाइस आप लोग, तो गाइस कल का वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।